दूसरी जानब निगरान वजीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं उम्मीद है आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक उलझन पैदा करना कुछ लोगों का कारोबार है। इत्मीनान रखें, आजादाना साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, मंजिल दूर नहीं है, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं ये फैसला वो खुद करेंगे, वापसी में कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं है। परसों जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि निगरान वफाकी काबीना के तमाम अरकान मुझ समेत बहुत खुश हैं कि हम जल्द ही ये एक आइनी जिम्मेदारी पूरी करके अपना कोई जो असल काम है वो जाकर करेंगे। तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे, वो जब तशरीफ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा।